इस समय हम मौजूद हैं नोफल एक उम्मीद संस्था के कार्यालय में, और खासकर जानना चाहेंगे, खासकर जो आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रत्येक महिला और युवतियों को मेहंदी लगाई जा रही है, वहीं आज जो दो कन्या है उनके विवाह के लिए भी सामग्री दी जा रही है, साथ ही जो छात्र है उन्हें शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए भी जो धनराशि दी गई, इससे पहले भी लगातार ये धनराशि देते आ रहे हैं, और देखा जाए जो आपदा के समय भी जिस तरीके से लोगों की मदद की गई, और जब से ये संस्था का निर्माण हुआ तब से लगातार जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल आज के विषय में हम बातचीत करना चाहेंगे, गुरमीत जी जिस तरीके से जो नोफल एक उम्मीद संस्था ने जो इनिशिएटिव लिया, क्या कहना चाहेंगे? खासकर ये इनिशिएटिव हमने 3 साल पहले लिया था मेहंदी का आयोजन करने का, कि कैंसर पेशेंट्स और उनके तीमारदार जो अपने घर से दूर रहते हैं वो त्योहार के लिए अपने घरों में नहीं जा पाते, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जैसे हमारा मन होता है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां त्योहार को मनाएं, ऐसे ये भी इस त्योहार को मनाने चाहिए। तो हमने 3 साल पहले यहाँ मेहंदी के कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया था, और पहले साल के मुकाबले दूसरे साल ये कार्यक्रम बहुत अच्छा गया, और इस साल तो और भी अच्छा गया। इस साल हम लोगों ने जो है वो बेटियों के लिए जो है फीस का आयोजन भी किया, जिसमें हमने 1,65,000 रुपये की जो है वो फीस दी है। इसके अलावा हमने 2 बेटियों की शादी का आयोजन भी जो है वो आज इसी माध्यम से, संस्था के माध्यम से किया है, और ये गुरु नानक के घर का जो है, जो नोफल संस्था इसको चलाती है, उसका मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो इस तरह से किसी ने पूरे हिमाचल में उठाया। जी और बिल्कुल, ये भी जानना चाहिए खासकर इसके अलावा भविष्य में नोफल एक उम्मीद संस्था क्या उद्देश्य कार्य करेगी जो कि जन कल्याणकारी होगी मानव जाति के लिए? देखिए, हम लोग कुछ भी जो है वो प्लान नहीं करते। अभी जैसे पिछले ही कुछ समय पहले मेरे पास एक बच्ची के लिए, जो पोंटा साहिब की है लेकिन बैंगलोर में इलाज करा रहे हैं, उनके लिए मदद के लिए आया हमारे पास, उसके लिए पेरेंट्स ने एक एप्लीकेशन लिख के भेजी, और हमने अपने डोनर्स को अपील करी कि वो उसमें हिस्सा डालें, डोनर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला। अभी तक हम उनको काफ़ी अच्छी राशि जो है वो भेज चुके हैं, आगे भी जैसे जैसे डोनर्स उस बच्ची के लिए हमारे को राशि देंगे, और हम उसको आगे ज़रूर उस बच्चे तक पहुँचाएंगे। जी, ये थे नोफल एक उम्मीद संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी, इनका कहना है कि आज जो करवा चौथ के उपलक्ष्य पर जो महिलाओं को मेहंदी लगाई जा रही है, साथ ही 3 वर्षों से लगातार मेहंदी का कार्यक्रम किया जा रहा है, और साथ ही जिस तरीके से आज जो छात्रों की पढ़ाई के लिए जो चेक वितरित किए गए, और जो कन्या विवाह करने जा रही है उनके लिए जो इन्होंने शगुन दिया, और साथ ही जो धाम में जो सामग्री प्रयोग होने जा रही है वो इन्होंने दी है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।